ऑनलाइन घर बैठे जो है SBI में अपना एक अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में घर बैठे एक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो आपको कैसे जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अगर आप इसके लिए बैंक में जाते हो तो बैंक वाले भी आपसे यही कहेंगे कि आपको जो है एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप क्या करेंगे कि किसी भी साइबर कैफे पे जाएंगे या फिर किसी इंटरनेट की दुकान पे जाएंगे और वहां पे अगर आप ये जो है फॉर्म भरवाते हैं तो आपको जो है वहां पे 100 से 200 रुपए देने पड़ते हैं। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप घर बैठे जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे इस फॉर्म को भर पाएंगे और कैसे जो है आपका अकाउंट खुलेगा, कहीं पे भी आपको जो है 1 रुपए नहीं खर्च कर। ऑनलाइन SBI अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा गूगल में और यहाँ पे सर्च करना होगा ऑनलाइन SBI अकाउंट और इसे एंटर कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पहला वेबसाइट आएगा तो इस वेबसाइट को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। चलिए इस वेबसाइट को हम यहाँ से खोल देते हैं। तो देखिए इस पर डबल क्लिक करेंगे हम तो ये वेबसाइट हमारे सामने खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, आपको इस पे क्लिक करना है। चलिए हम इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो तो देखिए आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन सेक्शन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू, आपको इस पे क्लिक करना है। तो चलिए हम स्टार्ट न्यू पे क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म जो है आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने 3 सेक्शन है, एक पर्सनल डिटेल्स, एक एडिशनल डिटेल्स और एक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद देखिए नीचे एक चीज और लिखी गई है, प्लीज डू नॉट प्रेस F5, यानी कि आपको ये फॉर्म भरते समय आपको F5 बटन को प्रेस नहीं करना है। इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है, अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो आपको पूरे फॉर्म को जो है दोबारा भरना पड़ेगा। और दोस्तों साथ ही साथ आप इस फॉर्म को भरने में ज्यादा टाइम ना लगाएं, नहीं तो ये जो फॉर्म है एक्सपायर हो जाएगा और फिर जो है आपको दोबारा भरना पड़ेगा और आपकी मेहनत जो है बेकार जाएगी। तो आपको इस फॉर्म को जल्दी जल्दी फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमर टाइप चुनना है। तो यहाँ पे अगर आप पब्लिक है तो पब्लिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, अगर स्टाफ है तो स्टाफ, और सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन, और अगर आप 18 साल से कम की हैं तो यहाँ पे माइनर यहाँ पे चुन लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे रेसिडेंटल स्टेटस आपको यहाँ पे चुनना है। तो देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए रेसिडेंटल इंडिविजुअल आप यहाँ पे चुन लीजिए। अगर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नेम डालना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप मिस्टर है तो मिस्टर, और यहाँ पे अगर देखिए अगर आप जो है यहाँ पे मिस हैं तो मिस, यहाँ पे अपने हिसाब से जो है यहाँ पे चुन लीजिए। तो यहाँ पे मिस्टर चुन लीजिए और यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिए। इसके बाद देखिए नीचे आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ चुन लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जेंडर चुनना है, तो यहाँ पे आप अपना जो है जेंडर मेल फीमेल यहाँ पे चुन सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कंट्री का नेम डालना है, ठीक है, यहाँ पे आप कंट्री नेम डाल दीजिए। इसके बाद देखिए अगर आपको पहले किसी और नाम से जाना जाता था तो यहाँ पे आपको वो नाम डालना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना जो है मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डालना है, तो आप यहाँ पे वो चुन सकते हैं, ठीक है, आप मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल, यहाँ पे आप चुन सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको चुनना है मदर नेम, तो यहाँ पे अपनी माता जी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद देखिए नेम ऑफ, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए नीचे आइए और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ फादर, यहाँ पे आपको पिताजी का नाम यहाँ पे डालना है, ठीक है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देते हैं तो आपको ये नहीं डालना है, ठीक है, और अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं तो आपको ये डालना ही होगा, ठीक है, ये जरूरी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ स्पोज, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आपकी वाइफ है तो आप इसे यहाँ पे जो उनका नाम डाल सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे हस्बैंड है तो आप उनका यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। इसका मतलब होता है नेम ऑफ जीवन साथी, तो यहाँ पे आप उनका नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको गार्जियन नेम डालना है, तो यहाँ पे अगर आप माइनर का फॉर्म भर रहे हैं, 18 साल से कम का फॉर्म यहाँ पे भर रहे हैं, तो उनका जो है आपको यहाँ पे माइनर नेम डालना होगा, ठीक है, यहाँ पे उनके संरक्षक का नाम आपको डालना होगा। इसके बाद देखिए सिटी ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, वो डाल दीजिए। इसके बाद देखिए कंट्री ऑफ बर्थ, यानी कि किस कंट्री में आपका जन्म हुआ था, किस देश में आपका जन्म हुआ था, वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद देखिए UID नंबर यानी कि आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको स्टार मार्क वाले जरूरी भरने हैं, अगर आपको स्टार मार्क को छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं भी आता है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे लोकल एड्रेस आपको यहाँ पे चुन लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रेसिडेंटल बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आप चुन लीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे चुनना है सबसे पहले यहाँ पे रेसिडेंटल, और यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस जो है यहाँ पे लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे दोनों लाइनों में आप लिख दीजिए।
तो इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका अगर विलेज का नाम है, स्ट्रीट का नाम है तो यहाँ पे आपको नाम डालना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए। इसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे डालनी होगी, अगर कोई आपकी सब डिस्ट्रिक्ट लगती है तो वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। और इसके बाद देखिए कोई अगर आपका टेलीफोन विद कोड है तो यहाँ पे आप वो डाल दीजिए, इस पर यहाँ पे अपना स्टेट डाल दीजिए। तो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, आपका पूरा एड्रेस पूछा गया है तो आपको यहाँ पे पिन डालना है, सिटी आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है और ईमेल एड्रेस यहाँ पे कंपलसरी नहीं है तो आप चाहें तो छोड़ भी सकते क्योंकि इसमें जो है स्टार मार्क नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर देना आपको बेहद ही जरूरी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको री एंटर मोबाइल नंबर करना है और यहाँ पे कंट्री का नेम आपको देना है, तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेम एस करंट एड्रेस, तो यहाँ पे देखिए अगर आपका वही एड्रेस ऊपर वाला ये एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, और दोनों एड्रेस आपके अलग अलग, इसका मतलब होता है पत्र व्यवहार का पता, ठीक है, तो अगर आप इसका दोनों एड्रेस आपके सेम है तो यस कर दीजिए, अगर आपके एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे देखिए आपको नो कर देना है और नया एड्रेस है वो आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे देखिए जो नंबर यहाँ पे कैप्चा कोड दिखा हुआ है, ठीक है, इमेज यहाँ पे दिख रही है आपको, इसमें आपको यहाँ पे भरना है और यहाँ पे प्रोसेस के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप भर के और यहाँ पे प्रोसेस के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक नंबर दे दिया जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए पेज आएगा, यहाँ पे बोला जाएगा प्लीज वेरीफाई और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। देखिए जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे और नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक योर TCRN नंबर आपको दे दिया गया है और आपको इस नंबर को नोट कर लेना है, ठीक है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी इसकी 30 दिन की है और साथ ही साथ इस नंबर को आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है, ठीक है। चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं, तो आपको इस नंबर को एक जगह नोट करके रख लेना है और यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस के बटन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद देखिए आप यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाइए और यहाँ पे आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। तो देखिए आप यहाँ पे आके सबसे पहले अपना यहाँ पे रीजन चुन लीजिए, ठीक है, यहाँ पे रीजन चुनना है आपको, यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे चुननी है, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना व्यवसाय का टाइप चुनना है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चुननी है, यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम आपको डालना है, ठीक है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे हम रीजन सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चुन लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे देखिए हम कैटेगरी चुन लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन टाइप यहाँ पे चुन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पे कोई एम्प्लॉय है तो यहाँ पे नाम डाल दीजिए, लेकिन हम कोई एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं है तो हम इसे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें मंथली इनकम चुननी है, तो यहाँ पे मंथली इनकम आप यहाँ पे चुन सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप क्लिक करें जितनी भी आप यहाँ पे इनकम है आपकी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप जो है यहाँ पे अपनी इनकम सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपकी इनकम यहाँ पे इतनी नहीं है तो यहाँ पे अपनी इनकम जो है सही इनकम है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप इनकम जो है डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपका कोई बिजनेस है तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है तो आप इसे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिए क्योंकि आपको ये भरना कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आ जाइए और यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे आप पैन नंबर डाल दीजिए, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे फॉर्म 61 यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल यहाँ पे पैन कार्ड है तो हम यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देंगे और यहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखिए जैसे आप सेव प्रोसेस पे आगे करते हो तो आपके सामने ये तीसरा पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन ये वाला जो है ऑप्शन आपको फिल करना होगा, ठीक है, ये वाला स्टेप आपको फिल करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे आईडी टाइप चुन लीजिए, तो यहाँ पे देखिए आईडी टाइप आप चुन सकते हैं, यहाँ पे वोटर आईडी चुन सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस चुन सकते हैं, नरेगा जॉब कार्ड चुन सकते हैं, आधार कार्ड चुन सकते हैं, तो सबसे अच्छा यहाँ पे आधार कार्ड है तो यहाँ पे आप इसे चुन लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नंबर डालना है, इशू वाई आपको डालना है तो यू आई डी डाल सकते हैं आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे कब आपका बना था वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये जो है डिटेल्स आपको आपकी जो स्लिप होती है उस पर आपको मिल जाएगी, आप आगे पीछे भी डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आधार नंबर डाल देते हैं और इसके बाद देखिए आप यहाँ पे नीचे आ जाइए और यहाँ पे अगर आपका कोई दूसरा खाता है तो यहाँ पे उस खाते का विवरण आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे मत दीजिए और सेव एंड प्रोसेस बटन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए क्लिक करते हैं हम। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, डू यू वांट टू ऐड अनदर एप्लीकेंट, अगर आप इसके साथ कोई दूसरा एप्लीकेशन जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे नो करते हैं और प्रोसेस के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया अकाउंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन, तो यहाँ पे देखिए आपको चुनना होगा, अगर आप यहाँ पे चेकबुक और डेबिट कार्ड दोनों चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप इसे रहने दीजिए, अगर आप कोई और करना चाहते हैं यहाँ पे
चेकबुक एंड विदाउट चेकबुक एंड डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं कि आपको चेकबुक और डेबिट कार्ड दोनों नहीं चाहिए। ठीक है, अगर दोनों चाहिए तो यहाँ पे जैसा आ रहा है आप वैसा यहाँ पे रहने दीजिए। इसके बाद देखिए, जो आपको फर्स्ट टाइम PCRN नंबर मिला था तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए अपना जो हम PCRN नंबर डाल देते हैं, जैसे आप यहाँ पे TCRN नंबर अपना यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे नाम आ जाएगा जो आपने फॉर्म यहाँ पे फिल किया होगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए जिस ब्रांच में अपना खाता खुलवाना चाहते हैं यहाँ पे उस ब्रांच का आपको कोड डालना होगा। अगर आपको कोड पता नहीं है तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्रांच लोकेटर, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे वो ब्रांच आप देख सकते हैं जहाँ पे अपना जो है खाता खुलवाना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर ब्रांच लोकेटर में सर्च नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे एक बार यहाँ पे खोल लीजिए और यहाँ पे सर्च कर लीजिए कि उस ब्रांच का कोड क्या है। तो यहाँ पे आप डाल लीजिए SBI ब्रांच कोड और अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दीजिए जहाँ पे आप खाता खुलवाना चाहते हैं, तो इंटरनेट पे आपको ब्रांच का कोड मिल जाएगा और वही ब्रांच कोड आपको यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे आप वो ब्रांच कोड डाल दीजिए और गेट ब्रांच पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मुझे अपनी ब्रांच का कोड पता है तो मैं यहाँ पे उस ब्रांच का कोड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे देखिए गेट ब्रांच पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरी ब्रांच का यहाँ पे नाम आ जाएगा जहाँ पे हम ये खाता खुलवाना चाहते हैं। तो ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, यहाँ पे ब्रांच लोकेटर पे देख लीजिए। अभी क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है तो अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लेना, या फिर आप पासबुक में भी देख सकते हैं, पासबुक पे भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आ जाइए और जो भी सर्विस की आपको जरूरत है, जो भी सर्विस आपको और चाहिए है, तो यहाँ पे आपको उस पे चेक मार्क यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम चुन लेते हैं यहाँ पे, तो मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे हमें नहीं चुनना है, यहाँ पे चलिए मोबाइल बैंकिंग चुन लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे जो है रिक्वायर्ड SMS अलर्ट यहाँ पे हम चुन लेते हैं क्योंकि हमें SMS अलर्ट जो है चाहिए है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे इंग्लिश में चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे कैंसिल में जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए टेली बैंकिंग किट यहाँ पे देखिए हम इसे नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे चेकबुक हमें चाहिए तो यहाँ पे यस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोन बैंकिंग सर्विस यहाँ पे हम यस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सब कुछ कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आ जाइए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर सिंगल अकाउंट सेल्फ ओनली। ठीक है, अगर आपने खुद के लिए खोला है तो आपको इस पे चेक मार्क लगे रहने देना है, और अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट खोला है तो यहाँ पे देखिए ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट पे चेक मार्क लगा दीजिए। अगर आपने ज्वाइंट खोला होगा तो पहले से आपने ज्वाइंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भरी होगी। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे प्रोसेस के बटन पे क्लिक करना है, तो इसके बाद देखिए आप प्रोसेस के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप प्रोसेस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको योर PARN नंबर आपको यहाँ पे दे दिया गया है। आपको इस नंबर को यहाँ से फिर से जो है नोट करके कर रखना है। ठीक है, यहाँ पे इस नंबर को भी हम यहाँ से नोट कर लेते हैं, ये नंबर आपको भविष्य में जो है काम आएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस के बटन पे क्लिक करना है। चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं, तो देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगर आप अपने अकाउंट के साथ अगर नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे नॉमिनी को जोड़ दीजिए। अगर आप नॉमिनी नहीं जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इस पे यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद देखिए हम यहाँ पे नॉमिनी बाद में देंगे, तो अभी हम नॉमिनी नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसेस के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप अभी अपने फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो फिर आप जो है फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सही सही भरी है, हमें यहाँ पे कोई बदलाव नहीं करना है, हमें यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पे एक नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद देखिए ये पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म जो है सबमिट सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है, और जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो आप पहले वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से अपने डाउनलोड जो आपने फॉर्म कंप्लीट किया है उसे आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपको TARN नंबर दिया हुआ है जो आपके मोबाइल पे आया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है जो कि आपने भरी हुई है, और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को आपको डालना है और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो भी आपने फॉर्म भरा है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस पे क्लिक करते ही PDF फॉर्म में आपके पास एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसको आप देखेंगे तो उसमें एक फॉर्म होगा, और उस फॉर्म को जो है आपको बैंक में जाके देना होगा, और जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं वो भी आपको बैंक में देने होंगे। तो जैसे आप वो सारी चीजें बैंक में दे देते हो तो आपका अकाउंट वहां पे ओपन हो जाता है और आपको वहां पे कुछ ही दिनों में, एक या दो दिनों में आपको वहां से पासबुक भी
दे दी जाती है। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है, इस तरीके से बड़ी ही आसानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ